आदर्श नगर थाना के अंतर्गत राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बडलिया में अज्ञात चोर एनवी 10 विभाग से 50,000 की कीमत का प्रोजेक्टर चुराकर फरार हो गए। कॉलेज प्रशासन ने आदर्श नगर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने बताया कि शनिवार की रात को अज्ञात चोर कॉलेज परिसर में घुसकर विभाग का ताला तोड़ा और प्रोजेक्टर चुराकर फरार हो गए। चोरी की शिकायत सुरक्षा गार्ड ने आदर्श नगर थाने में दर्ज कराई। हाँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बडलिया, और यहाँ प्रोजेक्टर चोरी हुआ है हमारे यहाँ पे NV10 से। ये मैकेनिकल की क्लास लगती है वहाँ पे, वहाँ से हुआ है और शनिवार के रोज़ हुआ था। और वहाँ के पियोन जो खोलता है या बंद करता है, जो उसको बना रखा है पियोन को, कंटेक्ट वाला है, उसने बताया कि जब वो गया 1 बजे कि प्रोजेक्टर है ही नहीं। और फिर जाके वहाँ प्रिंसिपल साहब गए थे हमारे, उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पे क्या है कि पैरों के निशान वगैरह थे डेस्क पे बने हुए, और उस पर चढ़ के ही उतारा गया है। तार वार सारे खींचे हुए थे उसके ऊपर, और वो जो बिल्कुल उसका जो पाना होता है खोलने का, उसी से खोला गया है। क्या कॉस्ट होगी उसकी? 40,000 से 50,000 के करीब होगा। पहले भी चोरी हुई थी? हाँ, पहले भी मैकेनिकल में ही हुआ था, मोटर भी हुई गई है चोरी होकर हमारे यहाँ से, और ज़्यादा नहीं बता सकता मैं पहले के बारे में इतना। बाकी हुआ है और FIR हमने लॉन्च करा दी है तत्काल उसी समय, इसे आदर्श नगर थाने में करा दी है। पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई थी, इन्वेस्टिगेट करके चले गए। हमारे जो प्रभारी बना रखा है हमने इसका सिक्योरिटी का, सुभाष मलिक को, उन्होंने FIR लॉन्च करा दी थी और उनसे मतलब पूछ के गई उस चपरासी से, इन्वेस्टिगेट करके गए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक, तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।